श्री सृष्टितनया सर्वसिद्धया विश्वकर्माया नमो नमः। प्रेम से बोलिए शिल्पेश्वर भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा है शिल्पी महान, उनसे शिल्प का सारा ज्ञान। नमन है इनके श्री चरण में, विश्वकर्मा रखेंगे शरण में। विश्वकर्मा जी है शिल्पेश्वर, शिल्प ज्ञान के है परमेश्वर। इनके द्वारा होता निर्माण, इनकी कीर्ति है सबसे महान। सारे जग में ये पूजे जाते, भक्तों पर है कृपा बरसाते। जो भी इनके शरण में आता, रचनात्मक शक्ति को पाता। देव शिल्पी को हम सब ध्याए, श्री चरणों में ध्यान लगाए। कर जोड़ कर करे प्रणाम, विश्वकर्मा जी को वरदान। भक्तों, भगवान विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। चार युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। काल क्रम में देखें तो सबसे पहले सत्य युग में उन्होंने स्वर्ग लोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का, और कलयुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियों का निर्माण किया। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। दुनिया के पहले और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने ही सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, अतः इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, व्यापार और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। पौराणिक मैं बात बताऊं, विश्वकर्मा की कथा सुना। सुनना भक्तों ध्यान लगा कर, सब पर कृपा कर शिल्पेश्वर। संकट आन पड़ी एक बार, कुपित हुआ था यह संसार। नैम शयन्य की यह है बात, ऋषि मुनि आए हैं एक साथ। राक्षस का आतंक छाया, असुरों ने था बड़ा सताया। सभी गए हैं जोड़कर, कृपा करे हम पर ब्रह्मेश्वर। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया, विश्वकर्मा का महिमा सुनाया। भक्तों, एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। सभी असुरों के दुष्ट कर्मों से पीड़ित थे। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपनी व्यथा बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगते रहता है। उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा जी ही सक्षम हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त हैं। उन्हीं के पूजन से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। देवताओं को हवि पहुंचाने वाले अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होते हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ पुरोहित का नाम
अंगीरा है, वही आपको दुखों से पार करेंगे। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छूकर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। ब्रह्मा जी के कथानुसार गए सब अंगीरा के बार, कहा मुनि श्रेष्ठ कष्ट हरो, हमारी समस्या दूर करो। कहे अंगीरा करो तुम ध्यान, सुमिरो विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा जी कृपा करेंगे, वही तुम सबके कष्ट हरेंगे। मन से हटा कर सारी व्यथा, सुनो विश्वकर्मा की कथा, अमावस्या को उनको ध्याओ, अपने कष्टों से मुक्ति पाओ। सबने किया है तब यह काम, सुमिरा है विश्वकर्मा का नाम, जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगीरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगीरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा विधि विधान से करो। इस प्रकार महर्षि अंगीरा के वचनों को सुनकर सभी अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा सभी ऋषि मुनि नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो गए। भक्तों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है, उसे सभी सत्कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। एक पौराणिक कथानुसार घटित हुए घटना एक बार, प्रमंगद नाम कथा एक राजन, सदा करता था धर्म का पालन, स्नेह से कर प्रजा पर शासन, पत्नी उसकी कर्तव्य परायण, कमला था भार्या का नाम, सदा जपती थी प्रभु का नाम। राजा को हुआ कुष्ठ का रोग, मन में उसके उठा है क्षोभ, पूर्व जन्म का सजा था पाया, उस पे पड़ा था पाप कसाया। बोली पत्नी सुमिरो भगवन, करो नाथ विश्वकर्मा पूजन, विश्वकर्मा जी कृपा करेंगे, आई विपदा तभी करेंगे। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रमंगत नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा पर स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। राजा की कमल के समान नेत्र वाली विदुषी धर्म कर्म व व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। किसी देव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया गया पर रोग बढ़ता गया। अपने पूर्व जन्म में स्वार्थ में होकर उसने प्रचारित किया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। वह नास्तिक मत का प्रचारक था, इस कारण उसकी यह गति हुई थी। उसके दुख से दुखी होकर पतिव्रता रानी एक दिन बोली, हे राजन, हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से ग्रस्त होकर बिल्कुल अंधा हो गया था। उसे उपमन्यु पुरोहित ने बताया था कि अमावस्या का व्रत कर
श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। राजा सब कामों को छोड़कर पूज शिल्पेश्वर हाथ जोड़कर ब्रह्मचारी रह कर फलहार अमावस्या को रह निराहार विश्वकर्मा को निस दिन ध्याए उनकी भक्ति में मन को रमाए करता था व्रत कथा का पाठ पत्नी देती थी उसका साथ अमावस्या को करता पूजन होंगे प्रसन्न शिल्प गुरु भगवान पूर्व जन्म का धुल जाए पाप खत्म होंगे सब दुख संताप कुगति को बदले भगवान कृपा करे ही दया शिल्पेश्वर पुष्टि मिटने का मिला है बल भक्तों प्रमंगद राजा से रानी ने आगे कहा कि तब से ही उस पुरोहित में सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था उस व्रत के प्रभाव से कुल पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई हे महाराज मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए जिससे इस दुख से छुटकारा मिले तब राजा बोले हे प्रिय तुमने ठीक कहा इस बात को सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि में चित्त का उत्साह पहले ही कह दिया करता है भक्तों उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके फलाहार करने लगा अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करने लगा और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उसे पूर्व जन्म के प्रतिफल कुष्ठ रोग से निजात मिल गया अतः पूर्व जन्म की कुगति को सुगति में परिवर्तित करने के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा के शरण में जाना चाहिए और अमावस्या को उनके व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों भगवान विश्वकर्मा की जय विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार सृजन करते सुख का सार जो भी करता इनका पाठ उनको मिलता इनका सार कहूँ कथा मैं शास्त्र अनुसार काशी में था एक रथकार जिसका था छोटा परिवार कृपा बरसाया पति पत्नी ने संतति पाया विश्वकर्मा की जब कृपा बरसे कष्ट कलेश मिट जाए घर से भक्तों विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है इनके व्रत की एक और कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में काशी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था वह अपने कार्य में निपुण तो था लेकिन जगह जगह घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था उसके जीविकोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था इतना ही नहीं उस रथकार की पत्नी भी पुत्र ना होने के कारण चिंतित रहा करती थी पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाया करते थे लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महात्मा सुनो भक्तों
ब्राह्मण देव के बताए अनुसार अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। वास्तुदेव के है ये संतान, विश्वकर्मा की कृपा महान। अंगिरसी है माता का नाम, श्री चरणों में तेरे प्रणाम। नल नील के पिता कहलाते, भक्तों पर ये कृपा बरसाते। रिद्धि सिद्धि इनकी जाया, अजब है भगवान की माया। संज्ञा भी इनकी ही संतान, जिसके पति है सूर्य भगवान। आओ करे हम इनका ध्यान, तुम मेरे विश्वकर्मा भगवान। जो भी करता कथा श्रवण, उसको मिलता है अन्न धन। विश्वकर्मा श्री जन का सा, नमन प्रभु को बारंबार। भक्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भक्तों, भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी, जगतकर्ता और शिल्पेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके संतान बृहस्पति, नल नील, संज्ञा, रिद्धि सिद्धि और चित्रांगदा हैं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था, तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था, जिनके संतान यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार हैं। प्रेम से बोलिए शिल्पेश्वर भगवान विश्वकर्मा की जय।